नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन टूर्स में। दोस्तों आप ये देख रहे हैं रायबरेली रेलवे स्टेशन। जैसा कि हमने आपको जय से रायबरेली तक का अपडेट दिया था, आज हम इसमें दे रहे हैं रायबरेली से गंगागंज का, क्योंकि आपने देखा था जायस से रायबरेली में काफ़ी काम अपूर्ण था। अगर नहीं देखा तो मैं लिंक आई बटन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और हम अभी जो है चल रहे हैं रायबरेली से आगे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 है जो कि वर्तमान में है। भविष्य में जो है इसका क्या होगा वो हम आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लूप लाइन बनने का प्रोविज़न है। और फिलहाल आप देखिए कि यहाँ पर जो 2 और 3 साथ में एक स्टेशन का भी जो आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में जो आपको जय से रायबरेली दी थी वहाँ पे हमने इसके बगल जो नया बन रहा है प्लेटफॉर्म वहाँ दिखाया था, जो कि ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार की क्या स्थिति है। अभी यहाँ पर जो है सॉइल फिलिंग होना बाकी है। और आप ये देखिए यहाँ के बीच का जो ट्रैक है रेलवे का, वो तो सब उखाड़ा हुआ है, सारे कितने सारे ट्रैक उखाड़े हुए हैं। हम जब गंगागंज की तरफ बढ़ते हैं तब का है। और ये जो आपको पटरी दिख रही है, यानी कि रेल लाइन दिख रही है जो लोहे की, ये पुरानी है और इसको सब उखाड़ के रखी गई है, ये नई नहीं है अभी बिछाने के लिए। और यहाँ पे ये जो ट्रैक देख रहे हैं आप ये भी उखाड़ा जाएगा। ये वीडियो हमने इसलिए बनाई है कि हम आगे का भी आपको रूट दिखा सकें। यहाँ पे देखिए इसको बंद कर दिया गया, स्टॉप लगाकर, यानी एक डेड एंड लगाकर इंडिकेशन कि हाँ अब आगे जो है ट्रेन इस पर ना जाए। और इस वापस आते समय ये मतलब आगे के ऊपर समय उस रूट पर आ जाते हैं। अब हम देखिए रायबरेली के आगे का जो ब्रिज है, ऊपर जो रोड है उसको पार कर दिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लेवल किया हुआ है, किंतु अभी इस पर रेलवे ट्रैक नहीं बिछा है, इस पर गिट्टियाँ नहीं बिछी हुई है। ट्रेन अभी मध्यम गति से जो स्टेशन छोड़ी हुई है इसलिए आगे बढ़ रही है। यहाँ देखिए आप मिट्टी पड़ी हुई है जो मिट्टी फिलिंग करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक नाला है, गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, इसको जो पग है रेल पग बनेगा उसको बिछाने के। और हम आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि विद्युतीकरण तो यहाँ पे ऊपर लाइन गई है, किंतु जब ये ट्रैक बनेगा तो यहाँ का विद्युतीकरण के लिए इनको एक लाइन डाल दी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे मिट्टी को लेवल किया हुआ है और कुछ नहीं है। और हम देखिए आगे बढ़ गए हैं क्योंकि वहाँ पे आगे रूट ख़त्म है। तो ये देखिए जो रेलवे ट्रैक है, यहाँ तक रेलवे ट्रैक, नया वाला रेलवे ट्रैक बिछा हुआ है। ये देख सकते हैं बगल में आप नीला सेट देख रहे हैं, वो है टावर वैगन सेट, जो कि नीला वाला है, उसमें टावर वैगन जो है वो उसको खड़ा करने के लिए बनाया हुआ है वर्तमान में। और वहाँ देखिए कितना ज़्यादा जो है इनका गिट्टी रखी है, यानी कि कंक्रीट रखे हैं वोड़े, उसके कंक्रीट के चिप्स रखे हैं, स्टोन चिप्स रखे हैं, या गिट्टियाँ रखी हैं यार्ड में। और हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर सिग्नलिंग तो ही है यहाँ पर। और ये जो रेल पथ आ रहा है, यानी कि रेलवे ट्रैक आ रहा है, ये अभी तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट दिख रहा है। और यहाँ की अगर हम विद्युतीकरण की बात करें तो वो भी जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है, किंतु यहाँ पे आगे जो है रेलपथ ख़त्म है। अब हम पुनः उस साइड लेके जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ मिट्टी को लेवल किया हुआ है, उसको कंप्रेस किया हुआ है, और उसके बाद आगे पुलिया का निर्माण हो रहा है, ये मैं आपको दिखा दूँ। और ये भी बताता हूँ कि ये है क्या, ये है चंदा देवी, सॉरी चंपा देवी। और यहाँ पे चंपा देवी का एक मंदिर भी है जहाँ की बहुत भव्य मेला भी लगता है। और ये देखिए यहाँ पे स्टील रखा है, फिलहाल वर्तमान में स्टील यार्ड की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कस्टम मटेरियल जो पड़ा हुआ है और वहाँ पे जो है इन सब का जो है प्रयोग हो रहा है, यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए जब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं गंगागंज की ओर, तो दोस्तों यहाँ पर जो है बैरिकेटिंग किया हुआ है वाइट कलर के, या आपको जो है वुडन के, यानी कि जिसको बल्ली कहते हैं, उसमें लगाकर कटीले तार यानी कि बारबेड वायर बांधे गए हैं, ताकि कोई भी उधर से जानवर है, इंसान है, रेलवे ट्रैक पर सीधे ना पाए और कोई हादसे ना हो। बगल में रेल पथ के बगल में रेल की पटरियाँ पड़ी हुई हैं ट्रैक पर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ना ही दोहरीकरण है और ना ही विद्युतीकरण है। आप देखिए रेल पथ जो है, यानी कि रेल ट्रैक जहाँ पीछेगा लेवल किया हुआ है, जैसा कि हमने बताया है, ये जगह जगह थोड़ा बड़ा भी माल पड़ा है। ये जो है ये आप इसको कह सकते हैं कि ये GSB के क्लियर है, ये कह सकते हैं कि कंक्रीट मतलब रॉ मटेरियल में जस्ट एक, अगर हम वैसे टेक्निकल भाषा बात करें तो स्टोन डस्ट होता है ये, जिसमें कि गिट्टी और उसकी डस्ट दोनों होती है, उसकी क्लियर पड़ के उसको बिल्कुल क्लीन किया हुआ है। और ऊपर इसमें जो है चाहे आप जीरा गिट्टी बोलते हैं, हालांकि इसमें 10 mm, 20 mm, 48 mm के स्टोन चिप्स का यूज़ होता है, वो उसके जो है ऊपर के मतलब लेवल।
अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए, स्पीड भी चल रही है, हम जा रहे हैं गंगागंज की ओर और हमें रास्ते में आप पूरा ट्रैक दिखा रहे हैं आपको। इसमें हमने कहीं भी कुछ नहीं काटा है क्योंकि मात्र हमने 12 से 15 मिनट में ही अपना सफर पूरा कर लिया और ना तो हमें यहाँ पर अभी तक दूरीकरण मिला, ना ही हमें यहाँ पर विद्युतीकरण मिला। और ये जो पड़ता है, ये पड़ता है हमारा वाराणसी से लखनऊ रेलखंड के मध्य में, यानी रायबरेली से वर्कर्स कार कर रहे हैं, यहाँ पे छुटपुट कार लगा हुआ है। लेकिन हाँ, अब हमें यहाँ पे फाउंडेशन मिलने लगे हैं, जो रेलवे के मास्ट लग रहे हैं उसके फाउंडेशन हमको मिलने लगे हैं। और ये पहला पुल हमको मिलता है यहाँ पर और इसके आगे देखिए फिर खाली जो है फाउंडेशन है और यहाँ पे एक पुल मिलता है। तो अभी जस्ट रेंडमली कहीं कहीं पुल मिला था हमें, लेकिन अब हमें यहाँ पे सीरीज में पुल मिलना तो चालू हुआ, क्योंकि आगे फिर वही है। सो कुल मिला के अगर हम अभी तक बात करते हैं तो यहाँ पर पुल भी नहीं पूरी तरीके से लगे हैं और कहीं कहीं हमको मिले हैं, कहीं नहीं मिले हैं। और ये देखिए रोलर खड़ा है साथ में, इसके स्लीपर कंक्रीट के स्लीपर आपको साइड में पड़े हुए जा रहे हैं, बाएं हाथ में ऊपर जो है कंक्रीट बनके इसको प्रेस किया है। एक ब्रिज भी गया, रेलवे के यहाँ बनना है। ट्रेन देखिए दोस्तों यहाँ करो लेते हुए पोल कुछ पड़े हैं, ट्रीट पड़े हैं, यानी कि जस्ट ऐसी बैलेंसिंग नहीं है, सिर्फ डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अभी तो कार्य बहुत ही ज़्यादा कार्य होना बाकी है दूरीकरणों को दूरीकरण का। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ हमें पुल दिख रहे हैं, साथ में कंटीन्यूटर भी लगा हुआ है, उसमें इंसुलेटर भी लगा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर फिटिंग मतलब बनी है आगे की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं। और देखिए ये वायरिंग भी मिल गई, तो ये तो अच्छा ही है, हो सकता है उधर से वायरिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन पुनः यहाँ पर आपको वायर देखने को नहीं मिलता है, यानी ऊपर की लाइन नहीं मिलती। ये कंक्रीट के स्लीपर देखिए और नीचे पथ देखिए, रेल पे रेलवे ट्रैक वो भी ऐसा ही सादा है। उम्मीद करेंगे कि जल्दी ही यहाँ का कार्य पूरा हो। और ये हम देखिए आगे बढ़ते हैं रेलवे पे, तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक मिलता है। ये रेल लाइन बिछी हुई है लेकिन अभी किंतु इसमें जॉइंटिंग का कार्य बाकी है, यानी कि अभी फिक्स नहीं हुए, जगह जगह बीच में जॉइंट है जिसमें फिक्स प्लेट लगानी होगी, साथ में अभी इसमें क्लिपिंग करना होगा। जैसा कि हम बताते हैं कि ऑयलिंग ग्रीसिंग भी बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें जंग ना लगे, रस ना लगे। ऊपर तो ट्रेनें जब दौड़ती हैं उसके पहिए से घर्षण होता है पटरियों के बीच, तो रस नहीं लगते, किंतु नीचे की तरफ पानी वगैरह पड़ के या और भी चीज़ों से हवा पानी लगते रस लगने की संभावना होती है, इसलिए इसको समय समय पर ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करते रहते हैं। ये देखिए ऊपर वायरिंग में एक तार मिला है और ट्रेन ने अपनी गति सीमा को यहाँ कम करते हुए, स्पीड को कम करते हुए, और ये जो बगल में आपने तार देखा तिरछा निकला है, यही है स्टे वायर। इसको लगाना बहुत आवश्यक होता है, जगह जगह पर ये स्टे लगाया जाता है ताकि पोल का जब खिंचाव होता है दोस्तों एक तरफ से, तो मानिए आपको जो है किसी तरफ खिंचाव कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वो सपोर्ट लिया रहे। यानी अगर हम ये बात करें कि रायबरेली से गंगागंज की तरफ आते हुए हमारा खिंचाव जो है गंगागंज से रायबरेली की तरफ जो है गया है खिंचाव, तो हमें स्टे लगाना होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वो हमें स्टे वायर जो है पोल पे लगा के गंगागंज की तरफ खिंचाव देना होगा। यहाँ देखिए आप रेलवे ट्रैक, इस पर गिट्टी वगैरह तो पड़ी हुई है और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे इसकी क्लिपिंग भी हो चुकी है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे कुछ संभावना हमें नज़र आ रही है कि शायद वहाँ पे दूरीकरण का कार्य पूरा है, किंतु हम गंगागंज तक आपको पूरा डिटेल देते हैं। तो आप कमेंट करके हमसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ख़ासतौर पे यहाँ देखिए यहाँ पे बीच में गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। और ये देखिए यहाँ पर कटा हुआ है रूट में, बीच में लाइन कटी है, गैपिंग देख रहे हैं आप, इसको ज्वाइंट करना है। साथ ही साथ यहाँ पे डेड एंड लगाया है। क्यों लगाया है मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए पहले आप देख लीजिए डेड एंड, अब आप देखिए डेड एंड के आगे कि यहाँ पर ट्रेन जो है हमारी उस पथ पे जा रही है। तो डेड एंड इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ कोई ट्रेन चलेगी, बल्कि इसलिए इंडिकेशन किया है कि वहाँ से आती हुई ट्रेन कहीं इस ओर ना चली जाए, इसलिए यहाँ पर डेड एंड लगा के उसको स्टॉपेज दे दिया है। हालांकि इसमें रेलवे में बहुत ज़्यादा सेफ्टी दी जाती है और जब इसको इस लाइन पे लेते हैं, रेलवे ट्रैक पर लेते हैं, तो पहली पटरियों बदल दी जाती है, फिर भी सेफ्टी पर्पज के लिए वहाँ पे इंडिकेशन लगा दिया गया है कि आगे रास्ता नहीं है। और हम पहुँचने वाले गंगागंज की ओर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग बंद है और ये एक डेड एंड है, ये जाके जोड़ेगा उस पथ को आगे जो है लाइन पे। यहाँ साइड में बाउंड्री देख सकते हैं आप,
क्रिकेट की बाउंड्री है और हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए आपकी पूरा बिल्कुल अभी ऊपर विद्युतीकरण का कार्य इस जगह कंप्लीट है और यहाँ सिग्नलिंग भी आप देख सकते हैं लगे हुए हैं, साथ में नीचे जो उनके कंट्रोलिंग बॉक्स है सिल्वर कलर का आपको दिखा वो भी लगा हुआ है और दोहरीकरण की ये पथ भी जो है कंप्लीट है। इस पर देखिए आप कलरिंग हुई है वाइट एंड जो है कुछ रेड कलर की, तो ये हो चुका। हम आगे बढ़ रहे हैं प्लेटफॉर्म की ओर और वहाँ भी हम आपको एक व्यू दिखा देते हैं। बगल में जस्ट इनका कुछ मास्ट वगैरह पड़े हुए हैं, यानी कि पोल पड़े हुए हैं जो बच जाते हैं काम में। और ये देखिए हम पहुंच गए हैं गंगागंज रेलवे स्टेशन और इसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचे हैं और 3 पे भी हम बताएं कि 3 पे भी एक लूप लाइन दी हुई है वहाँ पे, यानी 3 प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं जबकि अमेठी में 2 ही प्लेटफॉर्म है। कितनी विडंबना है, काश की वहाँ का भी विस्तार होता। और ये देखिए पानी के लिए जो है प्याऊ यानी नल, ऊपर लाइटिंग और नया सेट, बैठने के लिए चेयर्स, पूरी मतलब अच्छी व्यवस्था की गई है यहाँ पर गंगागंज रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3। और दोस्तों यहाँ पर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट करिए, साथ ही साथ हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक करिए क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं व्यू एक नंबर प्लेटफॉर्म का और ये है चंद्रपाल इंटर कॉलेज। यहाँ देख सकते हैं आप इंटर कॉलेज है, कम से कम प्लस्तर तो हो अच्छा सा बने। और ये हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, देखिए अभी तो लो प्लेटफॉर्म है यानी कि लो बेड का बना हुआ है। निकटतम भविष्य में इसको भी जो है ऊँचा किया जाएगा, जिस प्रकार से 2 बना है उसी प्रकार से 1 भी बनेगा। फुटओवर ब्रिज आप देख सकते हैं, फिलहाल डेंडिंग बेंडिंग यहाँ हो गई है, ये नया भवन है इसका। और दोस्तों आप देखिए अब यहाँ सब कुछ किस प्रकार से है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।